हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रिटी पेंट आर्ट्स। मैं हूं आपका नम्रत बाबू। आई हर्ड दैट इन अ फैमिली अ गर्ल विल बी लाइक अ डैड्स प्रिंसेस एंड सन विल बी लाइक अ मॉम्स प्रिंस, राइट? आपने भी ये बात को सुना होगा। मैं नहीं मानता था ऐसे बातों को, लेकिन एक हादसा मेरे जिंदगी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था एंड दैट इंसिडेंट मेड मी पेंट दिस पोर्ट्रेट जस्ट टू ब्रिंग द स्माइल ऑन माय ओनली फ्रेंड्स फेस। क्या था वो इंसिडेंट और इस पेंटिंग मैंने कैसे बनाया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड प्रोसेस देखते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप हमारा चैनल पे नया है या फिर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को जोर से दबाइए ताकि हमारा अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं बच्चों को पेंटिंग सिखा रहा था, कभी कभी मेरी दोस्त भी मुझे क्लास में हेल्प करने के लिए और स्पेशली बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती थी। और मुझे याद है वो सितंबर का महीना, दोपहर का समय, करीब 2:30 का वक्त था। उसको क्लास के बीचों बीच उसका मम्मी का कॉल आता है और वो कॉल उठाते ही बाहर चली गई। 15 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, वापस लौटी नहीं। सोचा वो कॉल पे होगी या एज यूजुअल बच्चों को चॉकलेट्स लाने के लिए बाहर गई होगी। लेकिन क्लास में हमेशा लेट आने वाला एक लड़का था। वो आके पूछा, सर व्हाई मैम इज क्राइंग। थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हम सब ने गए उसके पास और पूछा क्या हुआ, लेकिन वो कॉल पे मम्मी का आंसू पोंछने का कोशिश कर रही थी और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लड़की की जैसे प्रिटेंड कर रही थी। कॉल काटते ही वो रोने लगी। वो अंदर अंदर से ही कांप रही थी और धीमी आवाज में कही, वो चला गया मुझे छोड़ के। मैंने सोचा ही नहीं थी पापा ऐसे करेंगे, वो ऐसे कैसे कर सकता है, मुझसे कुछ गलती हुई क्या। अगले हफ्ते उनसे मिलने के लिए जाने वाली थी ना, उसे बताई थी भी, लेकिन वो अपनी आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी और बच्चों के सामने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश भी। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ पता नहीं, ऐसे रो पड़ी मैं जिंदगी में कभी बोल नहीं सकता हूँ। और वो जल्द से जल्द बस पकड़ी और अपने गांव चली गई। मैं सोच भी नहीं सकता था उसका दिमाग में क्या चल रहा होगा। 5 से 6 घंटे का सफर था उसके घर का, उसका मन में क्या क्या दौड़ रहा होगा, वो कितनी रो रही होगी। सोचने से दिमाग खराब होता था। Because I lost my father when I was very young, I still miss him. मैंने सुना था एक बाप दोस्त बन जाता है और ऐसे दोस्त को खोना और उसका दर्द मुझे नहीं मिला था। भगवान को हमेशा डांटता था मैं, लेकिन उस दिन सही या गलत, अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता। बस एक पल के लिए मुझे ऐसा भी लगा था शायद मुझे ऐसी गहरा दर्द देना नहीं चाहता था भगवान। हाँ शायद। ओके फ्रेंड्स, लेट्स कम टू पेंटिंग प्रोसेस। इन शॉर्ट, इट इज पेंटेड ऑन 16x20 inches प्राइम कैनवास। स्केच करने से पहले 2 लेयर जेसो लगाया था। Then I have grinded the surface as usual with the thin grinding paper or the sandpaper you can call it as. Then I toned the canvas using gray acrylic paint. Then I sketched using white charcoal pencil and painted over the sketch using lighter gray. Then I let it dry for a while and started painting a layer by layer. दोस्तों, जल्द ही YouTube में स्केचिंग से लेकर मिक्सिंग कलर्स और बहुत सारा पेंटिंग इंस्ट्रक्शनल वीडियोस लेके आने वाला हूँ, वेयर यू कैन लर्न स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग प्रोसेस एंड सिंपल मेथड आई फॉलो। आई एम गोइंग टू रिवील ऑल माय सीक्रेट्स इन YouTube चैनल एंड इट विल बी 100% फ्री। लेकिन 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 आपको बस एक चीज करना है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करना है। हर एक वीडियो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है। आई नो वॉचिंग लॉन्ग वीडियो इज काइंड ऑफ बोरिंग। आई विल ट्राई टू कीप ऑल माय इंस्ट्रक्शनल वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट एंड लर्न फ्रॉम इट। मैं हमेशा कहता हूँ पेंटिंग ना सिर्फ रंगों से भरी कैनवास है, आपका, मेरा और लोगों को फीलिंग्स है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगला वीडियो पे फिर मिलेंगे। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, पीस।